भर कटनी जिले से गए, जहां सफाई कर्मचारी अपनी नियमितीकरण की मांगों को लेकर धरने में बैठ गए हैं। बताया जा रहा है कि नगर निगम कमिश्नर कार्यालय के सामने जमीन में बैठकर धरना दे रखे थे। ये सफाई कर्मी अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं सफाई कर्मियों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, साथ ही चेतावनी भी दी, यदि जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं की गयी तो वह उग्र आंदोलन कर भूख हड़ताल करेंगे। कटी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सोनखरे, मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन का जिला महामंत्री हूँ। हमारे कमिश्नर और क्या बोलते हम लोग के बीच में चर्चा हुई कि कर्मचारियों का विनियमितीकरण या नियमित या फिक्स में करना है, तो उन्होंने ये हम लोग को बल्कि बताया कि परिषद से पास हो गया है और इनको जल्दी जल्दी हम लोग फिक्स में करेंगे। कमिश्नर ने एक लेटर भी दिया सारे विभागों को कि कर्मचारियों की जानकारी एकत्रित कर MIC में रखें। तो मेरे कहने का मतलब है कमिश्नर साहब के साथ यही नहीं मालूम है कि जो परिषद से स्वीकृत हो जाती है किसी प्रकरण की, तो MIC में जाने का कोई ही औचित्य नहीं है। और अभी मैं हाल का ही बताऊं कि वो जो टीम आई हुई है कटनी में दिल्ली से, वो सफाई अभियान के लिए नहीं है, वो केवल सुलभ शौचालय का निरीक्षण कर रही है। मगर हमारे आयुक्त महोदय या कुछ ऐसे तथाकथित अधिकारी हैं जो उनके चम्मच हैं, स्पेशली उन लोगों ने कर्मचारियों को परेशान करके रखा है। अभी 6 तारीख को सुबह 6 बजे काम लगाया है सफाई कर्मचारी उस दैनिक वेतन वालों को, तो शाम रात 8 बजे तक काम किया है बिना खाए पिए। उन लोगों ने, ये लोग तो आकर खा करके अपने घर गए, मगर वो लोगों ने बिना खाए कार्य किया है और उनके तरफ तो ध्यान नहीं दिया। और अभी हाल ही की बात बताऊं परसों की, कि हमारे यहाँ एक है बहुत बड़े अधिकारी श्री तेजभान सिंह, जो कमिश्नर से कम नहीं है, उन्होंने क्या एक पार्टी दी थी जिसमें सारे अधिकारी वर्ग थे, वहाँ पर डिनर खाया हमारे कर्मचारी 10 बजे रात तक। हम लोग आज इसलिए आए हुए कि हमारे कर्मचारियों को अगर फिक्स वेतन नहीं किया गया तो आंदोलन हम लोग करेंगे। वो 7 दिन का हम लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं, ज्ञापन कमिश्नर के नाम से है।